सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट है कि वर्क इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इसका मतलब है कि वर्क और जो टाइम है वो हमेशा उल्टे होते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि टाइम और वर्क उल्टे होते हैं. तो हम एक एग्जांपल की मदद से करेंगे. अगर एक बंदा काम कर रहा है 15 दिनों में, तो अगर हमें उसका वर्क निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि वर्क और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टे होते हैं. तो अगर टाइम है 15 डेज तो हमारा वर्क होगा 1/15, मतलब वन डे का वर्क होगा उसका 1/15. तो बस दोस्तों, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है, मतलब आपने सारा टाइम, वर्क, पाइप, सिस्टम, सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे. सिर्फ एक इजी सा कॉन्सेप्ट है कि वर्क इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो कि है टाइम और वर्क उल्टे होते हैं. तो बस इसी फॉर्मूले की मदद से हम चुटकियों में किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि टाइम, वर्क, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड हो. तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल की ओर. तो ये है हमारा पहला एग्जांपल, जो कि क्या बोलता है कि अ मैन कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज. एक करता है एक काम को 8 दिनों में. तो हमने अभी बताया था कि वर्क और टाइम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो अगर टाइम उसने 8 दिन का लिया तो उसका वर्क कितना हुआ? A का 1/8. इसी तरह से जब A और B दोनों साथ में मिल जाते हैं तो वो इस काम को फिनिश करते हैं 6 डेज में. तो A और B ने दोनों ने टाइम लिया 6. तो अगर A और B का मैं वर्क निकालूंगी तो क्या होगा? 1/6, क्योंकि हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है कि टाइम और वर्क उल्टे होते हैं. तो अगर A और B ने टाइम लिया 6 दिनों का तो उनका वर्क हुआ 1/6. फाइन, हमें निकालना है कि B अकेला इस काम को करे तो वो कितने दिन लेगा, मतलब हमें B का टाइम निकालना है. लेकिन बताओ, अगर हम B का वर्क निकालें तो काम बात बन जाएगी, क्योंकि वर्क और टाइम अब उल्टे होते हैं. वर्क निकाल लोगे तो टाइम अपने आप आ जाएगा. तो देखते हैं कि अब हम कैसे करते हैं. हमें A का दे रखा है और A प्लस B का दे रखा है. तो ऑब्वियसली अगर मैं A और B दोनों के वर्क में से A का वर्क निकाल दूंगी तो मेरे पास किसका वर्क बचेगा? B का. तो यही फॉर्मूला है हमारे पास. तो हम निकालेंगे B का वर्क, A और B के वर्क की वैल्यू और B के वर्क की वैल्यू पुट करके. तो A के वर्क की वैल्यू, तो B का वर्क हो जाएगा इक्वल्स टू A प्लस B. कितने दिन कितना वर्क करते हैं? 1/6. और B कितना करता है? A कितना करता है? 1/8. तो अब हम इसको निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा B का वर्क. बट B का वर्क निकाला है हमें तो निकालना है कि B कितना टाइम लेगा. दैट मीन्स हमें B का टाइम निकालना है. इधर सिंपल, वर्क का उल्टा हो जाएगा टाइम. तो अगर B का वर्क है 1/24, तो B का टाइम क्या होगा? एग्जैक्टली 24 डेज. तो B अकेला इस काम को 24 डेज में करेगा. था ना सिंपल? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि वर्क और टाइम उल्टे होते हैं. आगे भी हम इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कंटिन्यू करें. तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि वर्क और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. दैट मीन्स टी जब मैं निकालूंगी तो मैं वर्क का उल्टा कर दूंगी. तो बी का टाइम क्या होगा? वर्क का उल्टा, जो कि वर्क है 24, तो टाइम हो गया वर्क है 1/24, तो टाइम हो जाएगा 24. दैट मीन्स 24 डेज में बी अकेला ये काम करेगा जो कि ए कर रहा था 8 दिनों में. A का वर्क था 1/8, तो टाइम था 8. B का वर्क था 1/6, तो टाइम था 6. सिमिलरली हमने ये सब सॉल्व कर लिया है इस तरह से. और इसके बाद हमारा आ गया है B का वर्क, जो कि है 1/24. तो हम उसी फॉर्मूला से कर लेंगे, उल्टा हो जाएगा तो हमारे B का टाइम आ जाएगा 24 डेज. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप और सिस्टम से रिलेटेड है. तो ये क्या कहता है कि हमारे पास दो पाइप्स हैं, ए और बी. और ए अगर किसी सिस्टम को भरता है तो 8 घंटे में, और बी भरता है 12 घंटे में. तो हमें ए और बी का बेसिकली टाइम दे रखा है. तो ए का वर्क क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला से टाइम का उल्टा, मतलब 1/8, और बी का हो जाएगा 1/12. अगला दे रखा है ये पाइप सी है, वो खाली करता है. अगर खाली कर रहा है तो मतलब वो उल्टा काम कर रहा है. तो उसका हम जो वर्क निकालेंगे वो नेगेटिव में निकालेंगे, क्योंकि वो
उस सिस्टम को खाली कर रहा है ना कि उसे भर रहा है, इसलिए मैंने इसे नेगेटिव में रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इन तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितने टाइम में ये सिस्टम पूरा भर जाएगा। अब देखो टैंक सॉरी पाइप ए और बी तो भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है, तो अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो मतलब इन तीनों को वर्क करने दिया जाए, तो मतलब तीनों को वर्क करने दिया जाए तो तीनों के वर्क को ऐड कर दिया जाए। तो हम तीनों के वर्क को ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि टोटल वर्क ये कितना कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने पाइप ए बी और सी तीनों के वर्क को ऐड कर दिया। हाँ लेकिन सी का वर्क तो नेगेटिव था तो उसको नेगेटिव में ही लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ रहा है 1/6। दैट मीन्स कि तीनों पाइप का इकट्ठा काम कितना है 1/6। और मैंने बताया था कि टाइम वर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है। तो इन तीनों ने टाइम कितना लिया, 6 days। दैट मीन्स 6 दिनों में ये तीनों पाइप मिलकर उस सिस्टम को पूरा भर देंगी। तो भाई पाइप ने तो हमारी सिस्टम को 6 घंटे में भर दिया। हम करते हैं MCQs, तो आगे देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, जो कि हैं W। तो W का मतलब होगा यहाँ पे वर्क, जो भी हमारा वर्क है। उसके बाद मैं बताऊँगी टाइम, दैट इज़ T। उसके बाद जो भी हम मतलब काम करने वाले बंदे होंगे, तो हम उन्हें बी, इस क्वेश्चन में बाइंडर्स हैं पर आप बाइंडर्स के उससे मत डिनोट करो उसको, आप उसको किस नाम से डिनोट करोगे बताओ। बाइंडर्स तो हर वर्क में तो नहीं होंगे, किसी वर्क पे पेंटर होगा, किसी में कुछ होगा, तो हम पी से डिनोट कर लेते हैं पर्सन, मतलब जो भी बंदे हैं। तो ये सब डिनोशंस हो गई। तो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ W1 × T2 / P1 इक्वल्स टू W2 × T1 / P2। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके पास, आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 36 बाइंडर्स 900 बुक्स को 10 दिनों में बाइंड करते हैं, तो कितने बाइंडर चाहिए होंगे कि 1200 बुक्स 12 दिनों में हो जाए। तो देखो यहाँ पे बंदे हैं बाइंडर्स, तो और बाइंडर्स हैं बुक्स हैं और है डे, दैट मीन्स टाइम है वर्क है बुक बाइंड करना और बंदे हैं बाइंडर्स। तो हमें सीधा सीधा पहले तो वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो चलो अगर बाइंडर 1 है 36, ओके तो किसी वजह से मेरे कैमरा ने वर्क करना बंद कर दिया था, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया है। सेम वही फॉर्मूला लिखा है, बस P1 जैसे 36 बाइंडर्स 900 बुक्स और 10 दिन, इसको P1 W1 T1 में डाल दिया है। P2 हमें निकालना है क्योंकि जो दूसरे जो अलग बाइंडर्स होंगे कि कितने बाइंडर्स 1200 बुक्स को 12 दिनों में करेंगे, तो P2 मैंने क्वेश्चन मार्क में रखा है। W2 इज़ 1200 एंड T2 इज़ 12। सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो P2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ कि मुझे 1200 बुक्स को बाइंड करने में 12 दिनों में कितने बंदे चाहिए होंगे। तो इसको मैं कैलकुलेट करके लिखूँगी कि क्या आएगा। तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आई गॉट 40 बाइंडर्स। तो मुझे 1200 बुक्स को 12 डेज में बाइंड करने के लिए 40 बाइंडर्स का हेल्प चाहिए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, हम ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर ए काम कर रहा है 30 डेज में किसी भी वर्क को और बी कर रहा है उसी वर्क को 25 डेज में, तो जब दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमें टाइम निकालना है। तो ए अगर 30 डेज में कर रहा है तो ए का वर्क हो गया 1/13, सिंपल विद द फॉर्मूला। उसके बाद हमारा बी कर रहा है 25 डेज में है, तो हमारे बी का वर्क क्या हो गया, हम उसी फॉर्मूला से निकालेंगे कि वर्क और टाइम उल्टे होते हैं। तो अगर इसका टाइम है 25 डेज तो बी का वर्क होगा 1/25 डेज। अब हमें निकालना है कि ए और बी जब साथ मिलके इस काम को करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, है ना। तो ए और बी साथ मिलके कितना टाइम लेंगे, तो हम पहले ए और बी का वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ए का वर्क है बी का वर्क है, तो जो दोनों का मिला के वर्क होगा पहले मैं वो निकाल लेती हूँ। तो ए और बी का वर्क होगा ए का वर्क
जो कि है 1/30 और बी का वर्ग जो कि है 1/25। तो जब मैं इनको प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा, तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आएगा 150। और इसको अच्छे से डिवाइड एंड तो ये आएगा +6। तो बेसिकली मेरा आंसर आ जाएगा 11/150। बट ये वर्क है, ध्यान रखना, हमेशा कभी भी वर्क पे मत छोड़ देना क्योंकि हमारा हमें निकालना है टाइम। ए और बी का वर्क हमारे पास आ गया है 11/50, तो ए और बी का मतलब दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे, 150/11 days, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। ईजी था ना? तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी तीन चीज़ें बताई हैं कि 100 men कैन डू द 100 jobs इन 100 days। तो वही तीन चीज़ें हैं, तो वो हमारा WPT वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सीधे सीधे मैं पहले तो वैल्यूज रख दूँगी कि 100 men करते हैं तो एक मैन एक जॉब को कितने दिनों में करेगा। दैट मीन्स हमें निकालना है टाइम, दैट इज़ T2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगी अपना वही वाला फॉर्मूला जो कि है W1 × T2 / P1 = W2 × T1 / P2। अब इसी तरह से मैं वैल्यूज़ रख लूँगी। वैल्यूज़ आपको बहुत ध्यान से रखनी है क्योंकि अगर आप T1 और T2 की वैल्यूज़ में अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत ध्यान से हर वैल्यू को रख ली हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि पहले आप वैल्यूज़ ऊपर रख लो कि क्या चीज़ क्या है, ताकि आपको वैल्यूज़ पुट करने में इतनी प्रॉब्लम ना आए। और एक बार जो आपने वैल्यूज़ रख ली तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपको सीधे सीधे वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे मुझे निकालना है मेरा T2, तो अब मैं सीधे सीधे इसको सॉल्व कर दूँगी। तो यहाँ से मेरे पास 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा 100। दैट मीन्स एक मैन एक जॉब को 100 दिनों में करेगा। तो दैट वॉज ऑल फॉर द टुडे। अगर आप इसके ऊपर और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊँगी।